फाइनली फाइनली दोस्तों ओप्पो ने अपना रेनो 8 प्रो 5G एंड रेनो 8 5G अपने दो स्मार्टफोन जो लॉन्च कर दिए हैं, इसकी प्राइस भी सबके सामने आ गई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G के डिजाइन, इसके फीचर्स, लुक्स के बारे में एंड इसके प्राइस के बारे में डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं। ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियो आप देख सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G है, उसका डिजाइन आपको ओवरऑल काफी बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलता है डिजाइन के मामले में। दोस्तों एक स्मार्टफोन में उसका लुक्स ही मैटर नहीं करता है, उस पूरे स्मार्टफोन के फीचर्स में और भी अदर मेनी फीचर्स रहते हैं, जबकि लाइक उसके पावर कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका कैमरा कैसा है एंड उसकी बैटरी लाइफ, चार्जिंग लाइफ कैसी। स्मार्टफोन का आपने भर भर के इसकी एडवर्टाइजिंग ओप्पो के द्वारा खूब देखी होगी, जैसे आपने बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे एंड यूट्यूब के आपके कई सारे एड्स में आपको ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G के काफी सारे एड्स दिखने को दिखा रहे होंगे। काफी बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन है दोस्तों आप स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर से देख लें, डेफिनेटली जान पाएंगे कि आपको इसे बाय करना है या नहीं। ओवरऑल स्पेक्स की बात करते हैं, डिजाइन के मामले में बात कर लें तो फ्रंट एंड बैक पैनल है वो आपको टोटली ग्लास का देखने को मिल जाता है। आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम दिखाई देती है जो कि स्मार्टफोन को काफी एलिगेंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों काफी जबरदस्त इसके लुक्स रहने वाले हैं। वहीं डिस्प्ले पर बात कर लें तो 6.7 इंच का आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी पंची कलर्स के साथ इसकी डिस्प्ले रहने वाली है। काफी ब्राइट डिस्प्ले एंड काफी बिगर डिस्प्ले रहने वाली है। सर की बात कर ले वहीं पे फोन के पावर की, तो आपको लेटेस्ट मीडिया का डायमेंसिटी 8100 5G का चिपसेट देखने को मिलता है। 5nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और काफी पावरफुल प्रोसेसर है। रोम की बात कर ले तो इंडिया में खाली एक ही वेरियंट लॉन्च किया गया जो की 12/256GB है। आपको SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता, आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता है। तो कैमरा की बात कर लें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ स्मार्टफोन आते हैं, जो कि काफी बड़े बड़े लेंस इसमें दिखाए गए हैं। 15MP का कैमरा आपको प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। 2MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी एंड चार्जिंग की बात कर लें तो 4500mAh की बैटरी के साथ आपको 80W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 80W का एडेप्टर ओप्पो ने इसके बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। मोस्ट सारे आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक जैसे काफी फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये थे कुछ स्पेक्स। बात करेंगे स्मार्टफोन के काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक की एंड वो होने वाली प्राइसिंग। प्राइसिंग सुन के आप डेफिनेटली काफी शॉक हो जाने वाले हैं। इंडिया में एक ही ब्रांड है 12/256GB, उसकी प्राइस रखी गई 46,000 यानी कि 46,000 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, टोटली दोस्तों ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। तरफ से स्मार्टफोन लेने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा, किसी को भी स्मार्टफोन मेरी तरफ से लेना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आइए जानते क्यों बोल रहा हूँ। डिजाइन के अलावा स्मार्टफोन में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है जो कि आप 46,000 इसके लिए पे करें। तो डिस्प्ले में देखें तो 120Hz तो बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोनों में भी आ जाता है। पावर की बात कर लें तो डायमेंसिटी 8100 5G का चिपसेट गया है। ओवरऑल लास्ट खींच के हम बात करें तो 30,000 से 35,000 के स्मार्टफोनों में ये प्रोसेसर आपको आता है। इसमें ऐसा नहीं बोल रहा कि स्मार्टफोन पावर नहीं है, स्मार्टफोन में काफी पावर है, प्रोसेसर अच्छा नहीं है, प्रोसेसर काफी अच्छा है, मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन 30,000 से 35,000 के स्मार्टफोनों में ये आपको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ये आप 46,000 पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर 8 Gen 1 का प्रोसेसर देना चाहिए था, जो कि काफी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है। मैं देख ले यार तो 50MP 8MP प्लस 2MP ये कौन से कैमरे दिए गए, सोनी के कैमरे OIS का है इसके साथ, OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ये 20,000 से 25,000 के स्मार्ट जो स्मार्टफोन रहते हैं उसमें आपको देखने को आता है। बट ये 46,000 के स्मार्टफोन में आपको OIS नहीं देखने को आता है, अल्ट्रा वाइड 8MP का रखा गया है। जो हम बेस्ट फ्लैश ग्रिप क्लियर स्मार्टफोन होते हैं उसमें 50MP के अल्ट्रा वाइड भी दिया जाता है, बट उन्होंने 2MP का मैक्रो लेंस रखा है। 2MP के मैक्रो लेंस से अच्छा इसको हटाए देते, 2MP का कुछ नहीं होता है, आपको एटलीस्ट इसमें थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए था। दोस्तों आपको OIS इसके डबल बजट में भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि स्मार्टफोन का रेट 46,000 पे ऐसा वर्थ नहीं करता है। ओवरऑल दोस्तों आपको जो रेनो सीरीज है कैमरे के लिए जाने जाती है, पर कैमरे में भी वो बेस्ट नहीं निकल पाया। तो आपको ओनली डिजाइन अच्छा लग रहा है एंड सेल्फी कैमरा काफी अच्छा है तो ही आप 46,000 पे स्पेंड कर सकते हैं। 5,000 से 40,000 के अराउंड स्मार्टफोन की प्राइस होनी चाहिए थी, जो की ओवर प्राइस कर दी गई है। 2-3 हजार मिला के और रियलमी GT
2 या Realme GT 2 Pro भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। वो Snapdragon 8 Gen 1 के साथ आता है, काफी अच्छा बेस्ट स्मार्टफोन है। IQ की तरफ से स्मार्टफोन आप ले सकते हैं जो कि बेस्ट पावर के साथ आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन प्रोवाइड कराते हैं। कमेंट में जरूर बता सकते हैं, वीडियो को जरूर कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक।